Good morning, students. Myself, Devesh Kishore, and I welcome you all to GPS Academy. As you all know me, know the school also, but hum isse pehle class 6 tak class liye, class 6 to 9. Matlab ki class 6 se onward. इस बार आप सब लोग फिफ्थ से सिक्स में आए हैं, तो सबसे पहले आप सबके सामने जब मैं आया तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आप सब लोग मुझे भली बात जानते होंगे, मेरा नाम देवेश किशोर है एंड आई विल टीच यू साइंस। वैसे तो हमारी मुलाकात क्लासेस में होनी चाहिए थी, एग्जाम्स ओवर हो चुके थे, नए सेशन आ चुके हैं, तो हम क्लास में मिलते, मगर इस कोरोना वायरस में इस लॉकडाउन को देखते हुए हमने आपसे जैसे पहले भी कहा था कि हम अपने सिस्टम को फुल्ली ऑनलाइन कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को फुल्ली ऑनलाइन कर रहे हैं डीपीएस, तो हम इस तरह मिल रहे हैं। आज हम आप सबके साथ मिलकर पढ़ेंगे हमारे साइंस बुक के चैप्टर 1 बॉडी मूवमेंट्स। मैं अपने बारे में कुछ बात पहले आपको क्लियर कर दूं, हमारे पढ़ाई से रिलेटेड आपको अब नोट्स बनाने होंगे। यू विल हैव टू मेक योर ओन नोट्स बिकॉज नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। आई एम द टीचर, आई विल प्रोवाइड यू नोट, बट इट डजंट मीन अगर हम आपको नोट्स देते हैं तो क्या होगा बेटा, आपको सिर्फ रटना है एंड रटना है, एंड बिलीव मी आई डोंट बिलीव इन दिस टाइप ऑफ स्टडी। हमारी मुलाकात ऐसे हुई है, क्लास फिफ्थ में भी कभी मिले हैं आपसे, तो इस चीज को देखते हुए हमने चैप्टर 1 के बॉडी मूवमेंट चैप्टर का पार्ट 1 आप सबके सामने एक इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है, एक इसकी वो कहो कि समरी हमने ड्रॉ कर दिया है, बोर्ड पे बना दिया है, लिख दिया है। आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर, हम एक एक करके हर टॉपिक्स पे डील करेंगे और इन टॉपिक के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सो लेट्स स्टार्ट विथ अ न्यू फ्रेश मूव एंड अगेन आई वेलकम यू ऑल इन क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी, इंसान का शरीर या जानवर का शरीर या पेड़ पौधे की शरीर, सबकी अहमियत उसके जिंदगी से बढ़कर होती है। हम कहते हैं हे भगवान, इससे अच्छा तो हम मर जाते हैं, किससे अच्छा, पैर टूटने से अच्छा, हाथ टूटने से अच्छा, सर फूटने से अच्छा हम मर जाते हैं। That means कि हमें हमारे बॉडी से बहुत ज्यादा लगाव है। छोटा सा उंगली कट जाता है, हल्का सा जो दर्द है बयां नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। तो जिस बॉडी का हम इतना ख्याल रखते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उस बॉडी के बारे में थोड़ा सा जाने। सो बिगिनिंग बॉडी मूवमेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मूवमेंट? मूवमेंट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट करना, आना जाना। पता है बेटा, एक लिविंग थिंग्स को 2 किंगडम में बांटा गया है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। दोनों ही लिविंग थिंग्स हैं, बट दोनों में ना सबसे जो कॉमन डिफरेंस है वो ये है कि प्लांट अपने मन से मूव आउट नहीं करते, मूव नहीं करते। प्लांट को मन नहीं करता कि चल भाई आज थोड़ा सैर करके आते, थोड़ा इवनिंग वॉक पे आते, नहीं, प्लांट ऐसा नहीं करते। बट हम एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स ये करते हैं। आज मन किया स्कूल चले गए, आज मन नहीं किया नहीं जाएंगे। तो उस मूवमेंट के बारे में, मूवमेंट मीन्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, सिर्फ नहीं होता है मूवमेंट में, हाथ को भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं, फिक्स है वो, बट हम मूव कराते हैं, पैर को भी कराते हैं, सर को भी कराते हैं। सर मतलब हम सर नहीं, हमारा दिमाग वाला सर।
उंगली को कराते हैं, टर्टलिंग एक डांस फॉर्म है, उंगली का ही होता है. डजंट मीन्स मूवमेंट, किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए मूवमेंट यूज करते हैं. मूवमेंट में हम कुछ डिस्टेंस ट्रैवल भी करते हैं और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, पंखा मूव कर रहा है, यहां से उठ के पटना थोड़ी चला जाएगा, बट वो मूव कर रहा है. लोकोमोशन मीन्स टू ट्रैवल, टू गो समवेयर एल्स, टू मूव आउट समवेयर. जब हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेते हैं, इस टाइप के मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं. इसीलिए जितने भी बाइक्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनको लोकोमोटिव भी कहा जाता है. लोकोमोटिव मूवमेंट के मकसद से, कहीं आने जाने के मकसद से वो बनाया गया है. हमारे बॉडी में मूवमेंट जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है हमारे स्केलेटल सिस्टम पे. मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है? स्केलेटल सिस्टम पे. स्केलेटल सिस्टम जो होते हैं वो जनरली दो चीज से बने होते हैं. फर्स्ट वन इज योर बोन्स, एंड यही बोन्स मिलके बनाते हैं स्केलेटल. बोन मींस हड्डी, स्केलेटल मींस कंकाल. कंकाल बहुत सारे हड्डी को जोड़ करके एक इंसान रूपी शेप बना गया, दैट्स कॉल्ड स्केलेटल. और वो जो काम करता है, दैट्स इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम. वो जो काम करता है वो क्या कहलाता है? स्केलेटल सिस्टम कहलाता है. और जो उसको काम को करते हैं, एक ढांचा है, वो स्केलेटल है. और स्केलेटल बना किससे होता है? बोन से बना होता है. इज इट क्लियर टू यू ऑल? नाउ वी विल हैव टू रीड अबाउट फंक्शन ऑफ स्केलेटन. वी विल हैव टू रीड अबाउट फंक्शन ऑफ स्केलेटन. स्केलेटन हमें क्या फंक्शन करता है, क्या करके देता है? फर्स्ट थिंग जो हमें स्केलेटन करके देता है वो है प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट. शेप और सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है. दूसरा, मूवमेंट में सपोर्ट करता है. तीसरा, हमारे इंटरनल ऑर्गेन को प्रोटेक्ट करता है. एक एक करके सारा देखना शुरू करते हैं. शेप एंड सपोर्ट मीन्स वॉट? ये हाथ है, सीधा है, हड्डी अगर मेरा ऐसा है तो हाथ में मेरा टेढ़ा हो जाएगा, तो शेप देता है. अब हम खड़े हैं, हम कैसे खड़े हैं? तो हड्डी के दम पे खड़े हैं. हड्डी मजबूत होकर तुरंत से गिर जाते हैं? नहीं. तो शेप दे रहा है, साथ साथ हमें सपोर्ट दे रहा है. हम मूव कर रहे हैं, हम चल चल के पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या मान से चल रहे हैं आपके पास, हम चल के इतना क्लोज आए हैं, फिर पीछे जा रहे हैं, तो दीज ऑल हेल्प डन बाय द हेल्प ऑफ स्केलेटन. थर्ड वन, इंटरनल ऑर्गेन को प्रोटेक्ट करता है. मेरे दिमाग में मारने से पहले, भेजा में मारने से पहले मेरे बाल के हड्डी को तोड़ना पड़ेगा. दैट मीन्स कि जब तक ये हड्डी है, दिमाग मेरा सेफ है. जब तक ये दिल के आगे जो हड्डी है, जिसको आगे में पड़ेंगे रिब्स, रिब केज, वो जब टूटेगा तब आप मेरे दिल तक पहुंचिएगा. किडनीज, जब यहां पर हड्डी उठेगा तब किडनीज तक पहुंचिएगा. तो दीज स्केलेटल सिस्टम हेल्प टू प्रोटेक्ट अवर इंटरनल ऑर्गन्स ऑल्सो. नाउ स्ट्रक्चर, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? तो ह्यूमन स्केलेटन के स्ट्रक्चर्स जो है बेटा, वो स्कल है, बैकबोन है, रिब्स है, लिम्स है. लिम्स भी दो तरह के, फोर लिम्स, बैक लिम्स जिसको हाइंड लिम्स भी कहते हैं, और ग्रिडल्स. तो ये सब को हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे. फिलहाल जो हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोग स्कल और बैकबोन के बारे में पढ़ रहे हैं. स्कल क्या है? तो ये ब्रेन, जो हमारा फेस है, जो हमारा हेड है, उसको शेप देता है. अगर यहां का हड्डी ना रहे, अंदर की तरफ रहे, तो हमारा ब्रेन ऐसे हो जाएगा. नहीं, सेम उसके ऐसे हो जाएगा, ट्विंग सेम वाला रहेगा हम लोग, है ना. तो हमें यह क्या करता है? शेप देता है. शेप देने का सेंस है, हमारा अगर ये ऐसे है, इस तरह मुड़ा हुआ है, तो ये शेप फेस को देता है और हेड को देता है. जब ये शेप देता है बेटा, तो देखो एक ये नीचे वाला देख रहे हो, नीचे दांत के नीचे वाला हिस्सा, यहां तक फेस है ना, और एक इसके ऊपर वाला हिस्सा. तो ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कैर्नियम कहते हैं. हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो बेटा, तुम लोग समझ लेना. गलत प्रोनाउंसिएशन को सही करना आपका काम है, गलत स्पेलिंग को सही करना आपका काम है. कभी कभी टीचर जानबूझ के गलती कर देते कि बच्चा कितना ध्यान से मेरे वीडियो को देख रहा है, तो हम तो अपनापन भाई आपके अपने हैं, तो हम बता देंगे देखिए टीचर ऐसे ही करते हैं. और आपका काम होता है सर 2 मिनट 31 सेकंड पे ना, एक देखिए आई छूट गया था आपका गेम्स ने, वो बताने वाले बच्चे को एक मेरे तरफ से बड़ा सा 5 रुपया लगा.
बस तो वो गलती ढूंढना है। इससे क्या होगा कि आपकी कंसंट्रेशन स्किल बढ़ेगी, आप ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं, यानी ये हमें पता चलेगा। ठीक है बेटा, तो गिव शेप एंड हेड, गिव शेप ऑफ हेड एंड फेस। नाउ कैनियम जो है वो अपर जॉ कहलाता है और मैंडिबल जो है वो लोअर जॉ कहलाता है। लोअर जॉ मूवेबल होते हैं, मूव कराते हैं, मूव कराते हैं, बट अपर जॉ फिक्स है, वो मूव नहीं करता। लोग हाथ से भी करके दिखाओ नहीं कर पाएगा। अभी तो लॉकडाउन की वजह से सैलून्स में प्रॉब्लम है, जो हम फेस सेव नहीं करवा पाए हैं, बट अब तुम बड़ा अच्छा से दिखा देता, तुम भी कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को। आप सब लोग मिलकर करो, मूव करो, लोअर जॉ मूव होता है, अपर जॉ नहीं होता है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के स्कल में होते हैं वो है 22। पता है एक बात हम आपको लिखे नहीं है बोल पे, जो हम आपको अब लिख रहे हैं और आपको इसका जवाब हमको देना है, अपना नाम और जवाब। कैन आई नोट इट हियर? या दिस इज फॉर कमेंट बॉक्स। ये क्या है? कमेंट बॉक्स के लिए है। आप YouTube पे जाकर के हमें कमेंट करके बता सकते हैं अपने नाम के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बोन्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, या ऐसे लिखिए टोटल नंबर ऑफ बोन्स और आसान रहेगा। टोटल नंबर ऑफ बोन्स पहला एडल्ट का और दूसरा न्यू बॉर्न बेबी का। यू विल हैव टू कॉमेंट दिस इन कॉमेंट बॉक्स विथ योर नेम एंड क्लास ऑल्सो। अब जानबूझ करके नहीं लिखे, थोड़ा बच्चे से भी पूछे क्या होगा भाई, सोचे थोड़ा, समझ रहे ना। नेक्स्ट, तो कैनियम जो है वो अपर जॉ है, मैंडिबल जो है वो लोअर जॉ है, लोअर जॉ मूवेबल है, टोटल नंबर ऑफ बोन स्कल का 22 है, 14 फेस के लिए है और 8 फॉर अपर जॉ के लिए, फेस के ऊपर के जो जॉ है उनके लिए है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? नाउ मूव टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज बैकबोन। बेटा रीढ़ की हड्डी समझते हो? रीढ़ की हड्डी पीछे होती है, रीढ़, रीढ़ में हड्डी, उसको हम लोग रीढ़ की हड्डी हिंदी में कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बैकबोन। रीढ़ की हड्डी, पीछे की हड्डी, ये 33 स्मॉल बोन से बने होते हैं जिन्हें हम वर्टीब्रे कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टीब्रे। इसे स्पाइंस भी कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। कहते हैं ना पीछे थप्पड़ लगवा, छोटा दिमाग होता है तो वो जो कनेक्ट होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड को वो प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? बैकबोन प्रोटेक्ट करता है। और स्पाइनल कॉर्ड को मैसेंजर फॉर द ब्रेन कहते हैं, ब्रेन के लिए मैसेंजर का काम। Is it clear to you all? So, homeworks आप लोग orally सुन ले, आपके पास written दिख जाएगा। पहला part one का notes complete है। दूसरा जो इस पे based मैं question दूंगा वो complete है, in fair copy, not in the rough। और तीसरा जो YouTube हमारा channel है उस पर जब ये video upload होगा तो मुझे इन दोनों questions का answer चाहिए। एंड गेस वॉट, सबसे पहले सबसे सही जो आंसर मेरे स्टूडेंट करेंगे, आई विल गिव देम सम गिफ्ट, स्मॉल गिफ्ट, बट आई विल गिव देम बिकॉज इट्स ऑल्सो बिलोंग्स टू अवर जीके जनरल नॉलेज। सो क्लास, दिस इज ऑल फॉर टूडे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, दैट पार्ट टू, with new, fresh, energetic video. So, thank you very much. 2 मिनट के इससे कम का समय देते हैं जिसमें हम आपको वीडियो में नहीं दिखेंगे, हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, ताकि आप इस चीज को अपने नोट डाउन करो और इसी से बेस्ड अपना नोट्स कंप्लीट करो। इट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।